बचपन में ICSE बोर्ड की एक इतिहास की किताब में देखी कश्मीर के एक टूटे खंडहर मंदिर की तस्वीर ने एक 12-13 साल के बच्चे के मन में बड़ा गहरा प्रहार किया। कई सारे प्रश्न भर दिए कि कोई इतनी खूबसूरत इमारत को तोड़ेगा क्यों, कोई इतने विशाल प्रतीक को, एक मंदिर को क्यों तोड़ेगा। पर उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे वो तस्वीर धुंधली हो गई। गुजरते वक्त के साथ एक बार वो तस्वीर मेरे समक्ष फिर आई जब मैं हैदर नाम की एक फिल्म देखने गया और वहाँ बिस्मिल गाने पर उसी मंदिर को एक शैतान की गुफा के रूप में दिखाया गया। मार्तन के बारे में फिर मैंने पढ़ना शुरू किया और जितना मैं उसे जानता गया मार्तन मेरे दिल के उतने ही और करीब होता गया। सोचता रहता था हम क्यों अपने इस इतिहास के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं, इसे सुधारने की, इसे रिक्लेम करने की, रिस्टोर करने की। फिर मैंने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक स्पीच में उनकी एक बात को सुना कि कुछ करने की चाह है तो निकल पड़ो मित्रों, ये मत सोचो क्या होगा, आप चल दोगे चीज़ें अपने आप होती रहेंगी। और मार्तंड को पुनः जीवित करने की जिम्मेदारी मैंने खुद उठाई। 23 जनवरी 2021 नेताजी के जन्मतिथि के दिन सोशल मीडिया कैंपेन के माध्यम से मैंने आप लोगों के सपोर्ट से रिस्टोर मार्तंड मंदिर की मुहिम की शुरुआत की। कुछ लोगों ने इसे सराहा तो कुछ लोगों ने इसे बकवास कहा, कुछ लोगों ने इसकी ज़रूरत को समझा तो कुछ लोगों ने इस पर जातिवाद का झंडा लहराया, पर आखिर में लक्ष्य सिर्फ मार्तंड को उसकी पहचान दिलाना था। और आज भारत के इस अमृतकाल में भारत सरकार ने आखिरकार कश्मीर को उसकी असल पहचान दिलाने वाला निर्णायक फैसला लिया है। कश्मीर के मंदिरों का पुनर्निर्माण और मार्तंड मंदिर को बनवाने वाले कश्मीर के कारकोटा साम्राज्य के महान सम्राट ललितादित्य मुक्तापीडा की मूर्ति को उसी मंदिर में स्थापित करने का फैसला लिया है। अब ज़रूरत है कि हमारे एलाइट क्लास के भाई बंधुओं के मन में ज़रूर ये प्रश्न उजागर होगा कि इसकी क्या ज़रूरत थी, मंदिर तो वैसे भी है, स्कूल हॉस्पिटल बनवा लेते ज़्यादा बेहतर रहता। तो उन्हें मैं बता दूं कि जितने ज़रूरी हमारे समाज के लिए ये स्कूल और हॉस्पिटल्स हैं उतनी ही ज़रूरी ऐतिहासिक धरोहर और मंदिर भी हैं, क्योंकि ये स्थल सिर्फ एक इमारत नहीं है, इस जगह की पहचान है, ये साम्राज्यों की शक्ति, समाज की उन्नति का प्रतीक बनते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ये विदेशी आक्रांता सबसे पहले उन्हें ही अपना निशाना बना के उन्हें नहीं तोड़ते, क्योंकि इससे समाज का मनोबल तोड़ा जाता है, उसकी नींव, उसका अस्तित्व, उसे हिलाया जाता है, उसे मिटाया जाता है। तो इस ऐतिहासिक दिन पे मैं आप सबको जिन्होंने इस आंदोलन से मिलकर मेरी मदद की या फिर खुद उनके दिल में एक उत्सुकता थी कि मार्तंड के लिए कुछ होना चाहिए, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं सरकार को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया। अब वेट नहीं कर सकता मैं कि कब हम वापस मार्तंड जाएंगे और वहाँ पर फिर ललितादित्य के उस महान साम्राज्य को पुनः जीवित होते हुए देखेंगे। धन्यवाद।